मुंबई में बुलेट चोरी करने वाला गिरफ्तार। मुंबई उपनगर के अंधेरी पूर्व MIDC सिप्च कंपनी के सामने सड़क के किनारे पार्क की गई बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। CCTV के आधार पर पुलिस ने चोर को पकड़कर चोरी गई बुलेट को बरामद कर लिया है। कोरोना काल के समय मुंबई में काम करने वाले लोगों को ट्रेन से आना जाना मना था, जिसके कारण अधिकतर कर्मचारी अपनी निजी वाहन से कंपनी में काम करने आते थे। अंधेरी पूर्व सिच कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी अपनी अपनी वाहन से काम पर आते थे। सिच के अंदर पार्किंग न होने के कारण वे कंपनी के सामने सड़क पर ही अपनी वाहन पार्क करते थे। वहां पर पार्क की गई बुलेट मोटरसाइकिल को MIDC में रहने वाला चोर चोरी कर उठा ले गया। बुलेट मालिक ने इसकी शिकायत MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस ने वहां की CCTV में देखा तो पता चला कि MIDC में रहने वाले शातिर चोर अब्दुल कादिर सलीम ने ही बुलेट को चोरी की है। पुलिस ने इस चोर को अमरावती से गिरफ्तार किया है। यह चोरी मुंबई में चोरी कर अमरावती में बैंक की खींची हुई कहकर बेच दिया करता था। पुलिस ने उसके पास से 6 से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। चोरी करने में उसके और कितने साथी हैं? पुलिस जांच कर रही है। दो तीन बना के रखते हैं लोग। एक नहीं चला, दूसरा नहीं चला, तीसरा बस हो गया, इंडिकेटर बंद किया, अब चल देगा। एकदम आराम से स्टार्ट करके ही लेकर गया वो। कोरोनाच्या कालावधीमध्ये ट्रेन वगैरे बंद असल्यामुळे जे सिप्जमध्ये कामगार कामाला येतात त्यांनी बाईकने येण्याचं प्रमाण जास्त वाढलं होतं, आणि बाईक लावण्यासाठी पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे बाईक रस्त्यावरती जिथे जागा मिळते तिथे लोक नाईला जास्त लावत होते। त्याचा फायदा हे बाईक चोरी करणारे जे आरोपी आहेत त्यांनी घेऊन आपल्या MIDC परिसरामध्ये बऱ्याचशा बाईक चोरीच्या घटना घडल्या होत्या। डिटेक्शनचे अधिकारी मोहिते आणि रणदिवे यांनी चांगल्या प्रकारे मेहनत करून सदर आरोपीचा कसोशीने मिळवून त्याला अटक केलेली आहे। आरोपीचं नाव आहे अब्दुल कादिर सलीम शेख। तर त्याच्याकडून जवळजवळ आपण 6 गाड्या जप्त केलेल्या आहेत आणि सदरच्या गाड्या अमरावती येथून आपण रिकवर केलेल्या आहेत, आणि आरोपी सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये असून अजूनही गाड्या आम्ही रिकवर करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। इतर पोलिसांनाही पण त्यांनी असे काही गुन्हे केले का याचा आम्ही चौकशी करून जास्तीत जास्त गाड्या रिकवर करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। त्याचं बॅकग्राऊंड चोरीचं आहे, आणि बुलेट गाड्यांना जेव्हा विकतात तेव्हा त्याचे पैसे जास्त येतात नॉर्मल गाड्यांपेक्षा। बुलेट गाड्यांना सध्या क्रेज आहे आणि मागणी जास्त असल्यामुळे तो बुलेट गाड्यांना जास्त टार्गेट करत होता।